जय हो द्वारकाधीश। आज का टॉपिक है किसी की नींद और चैन दोनों गायब है, लेकिन क्यों, क्या वजह हो सकती है, ये जानने की कोशिश करेंगे हम आज के रीडिंग से। टैरो में से हम 6 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 9 मैसेजेस। तो शुरुआत करते हैं शफल करके। आप देखते हैं टैरो के कौन से कार्ड्स मिलते हैं। पहला ही कार्ड है द सन का। अ टाइम टू ग्रेट जॉय एंड सक्सेस, ब्रिलियंट एपिफानीज दैट लीड्स टू मैजिकल अपॉर्चुनिटीज, प्लान्स दैट वर्क आउट परफेक्टली, ग्रैटिट्यूड टू द डिवाइन। तो शायद इन्होंने कुछ प्लान किया है और उन्हें लगता है कि उनका मैनिफेस्टेशन काफी ज्यादा वर्क कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे बात आ रही है डिवाइन की। तो ये सिर्फ उन दोनों के बीच का ही कनेक्शन है, यानी कि ये डिवाइन से जो भी मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, जो भी प्रेयर्स कर रहे हैं, उनका शायद इन्हें कुछ ना कुछ रिजल्ट मिल रहा है और उसी रिजल्ट को लेके काफी ज्यादा ये पर्सन एक्साइटेड है, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि कुछ नई अपॉर्चुनिटीज उनकी जिंदगी में आ रही है। जैसे यहाँ पे एक समय को लेके कुछ बात भी हमें नोटिस हो रही है, तो वक्त का इंतजार कर रहे हैं, शायद परफेक्ट टाइमिंग का। उस परफेक्ट टाइमिंग पे ये आपको कुछ बताने वाले हैं। उनके दिलो दिमाग में तो ऐसा ही कुछ प्लान है, शायद इसी वजह से इनकी नींद और चैन गायब है। फिर है टेन ऑफ मैन्स, फायर साइन एरीज लियो या फिर सैजिटेरियस, वर्किंग टू हार्ड और टू मैनी आवर्स, द नीड फॉर बैलेंस इन लाइफ, लेट अदर्स हेल्प यू, हेल्थ प्रॉब्लम ड्यू टू स्ट्रेस। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वर्कहॉलिक हो गए हैं ये पर्सन। अपने प्लान को सक्सेस करने के लिए बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, जैसे कह सकते हैं आप दिन रात एक करके वो मेहनत कर रहे हैं उस प्लान के लिए, क्योंकि ये जिंदगी में बैलेंस चाहते हैं और ये बैलेंस शायद आपके साथ होने से ही उन्हें मिल सकता है। तो इतना हार्ड वर्क कर रहे हैं कि उन्हें शायद किसी की हेल्प की ज़रूरत फील होती है, और ऐसा जब वो सोचते हैं या सोचती हैं तब उन्हें आपकी याद आती है, लेकिन ये आपको बता नहीं रहे क्योंकि ये अकेले ही उस टास्क को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हो सकता है इस पर्सन को छोटे मोटे कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स भी हो रहे हैं, जैसे स्ट्रेस की वजह से नींद ठीक से ना आना, या फिर थोड़े खाने पीने के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे तो थोड़ा एसिडिटी का वगैरह भी प्रॉब्लम हो सकता है, जिसकी वजह से जैसे इसने सिर पकड़ के लिया है वैसे ही सिर दर्द वगैरह भी हो सकता है इस पर्सन को। तो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं ज़िंदगी को लेके, जिस वजह से भी शायद कुछ लोगों की नींद और चैन गायब है। नेक्स्ट है नाइट ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, लॉयल डेडिकेटेड प्रोटेक्टिव एप्रिहेंसिव, प्लान केयरफुली बिफोर टेकिंग एक्शन बट देन गेट गोइंग, पे अटेंशन टू द डिटेल्स, वेट फॉर परफेक्ट टाइमिंग, अ गार्डियन एंजल और समवन हु वॉचेस ओवर यू। जैसा कि पहले ही कार्ड में हमने देखा कि ये डिवाइन से कुछ बातें कर रहे हैं, मैनिफेस्टेशन काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनके दिलो दिमाग में जो प्लान है उसके ऊपर ये काम कर रहे हैं, और उन्हें पता है कि परफेक्ट टाइमिंग का इन्हें इंतज़ार करना है और यही कर रहे हैं, अपने प्लान के मुताबिक ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं और उसी प्लान को लेके दिन रात ये काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी कर रहे हैं। फिर हैं किंग ऑफ पेंटिकल्स और साइन टॉरस, वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, कंपैशनेट अकम्पलिश्ड करिश्मेटिक ग्राउंडेड, अ टाइम टू ग्रेट सक्सेस, फाइनेंशियल सिक्योरिटी एंड प्रॉस्पेरिटी, द मिरर्स टच एवरीथिंग टर्निंग आउट ब्यूटिफुली, अ सपोर्टिव पेरेंट एंड स्पाउस, अ गुड पर्सन टू वर्क फॉर। तो उन्होंने जो कुछ भी सोचा था वो शायद उनके प्लान के मुताबिक सब कुछ सक्सेसफुल हो रहा है, जैसे अगर पेरेंट्स को कन्विंस करना था, उनका दिल जीतना था, तो ये भी शायद ये कर रहे हैं, और अगर कुछ छोटे मोटे फाइनेंशियल इश्यूज भी थे तो वो भी शायद इन्होंने सॉल्व कर लिए हैं, जिसकी वजह से उन्हें लग रहा है कि सब कुछ अच्छे से जा रहा है और शायद ये
फाइनल रिजल्ट तक इंतजार कर रहे हैं कि हाँ ये एक टास्क पूरा हुआ और उसके बाद ही शायद ये आपको बताना चाहते कि इन्होंने आखिर कौन सा प्लान डिसाइड किया है। फिर है द ड्रीमर, अ न्यू स्टार्ट जैसे कि फूल का कार्ड है, ट्रस्ट योरसेल्फ, पुश योर फियर्स असाइड एंड टेक अ लीप ऑफ फेथ। तो लीप ऑफ फेथ के साथ आगे बढ़ रहे, डे ड्रीमिंग भी काफी ज्यादा चल रहा है, जैसे ये ख्यालों में खोया हुआ है। यहाँ पे भी घड़ी का साइन दिखाई दे रहा है, तो कुछ डर है जिनको ये साइड में रखने की कोशिश कर रहे हैं, खुद के ऊपर भरोसा कर रहे हैं कि अब बस बहुत जल्द एक जिंदगी में नया स्टार्ट लेना है और उसी प्लान को लेके काफी ज्यादा सोचा जा रहा है या फिर उस प्लान के ऊपर काम किया जा रहा है, जिसकी वजह से शायद इनकी नींद और चैन गायब है। और फाइनल कार्ड है एस ऑफ पेंटिकल्स, अर्थ साइन, टॉरस वर्गो या फिर कैप्रिकॉर्न, विंडफॉल ऑफ अबंडेंस, वाइज काउंसिल और गुड फॉर्चून, एंड एक्साइटिंग करियर अपॉर्चुनिटी, यू क्रिएटिंग कॉन्टैक्ट, सिग्निफिकेंट परचेसेस लाइक होम और व्हीकल। तो कुछ लोग शायद नया घर वगैरह ले रहे हैं, ये भी शायद घर वालों के लिए या आपके लिए सरप्राइज हो सकता है। कुछ लोग गाड़ी वगैरह भी लेने के लिए प्लान कर रहे हैं और कुछ लोगों ने शायद करियर में भी कुछ अपॉर्चुनिटीज ढूंढ ली है, जैसे कुछ लोग शायद आउट ऑफ इंडिया भी जाने के बारे में सोच रहे हैं और उसी प्लान के ऊपर उनके करियर के कुछ फ्यूचर प्लान्स भी डिपेंडेंट हैं, जिसके लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं और उन्हें पता है कि उनकी ज़िंदगी में गुड फॉर्चून का जो टाइम पीरियड है वो स्टार्ट हो चुका है और यही शायद सब उनके दिलो दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से इनकी नींद और चैन दोनों गायब है। कोई भी कार्ड हम रिवर्स नहीं लेने वाले। नेक्स्ट है एनर्जी, ट्राई टू कीप अ पॉजिटिव एनर्जी बाय सराउंडिंग योरसेल्फ विद पॉजिटिव पीपल। तो पॉजिटिव रहने की कोशिश कर रहे हैं, अगर काफी ज्यादा स्ट्रेस ले रहे हैं, काफी ज्यादा हार्डवर्क कर रहे हैं तो हो सकता है थक जाते हैं और जिसकी वजह से एनर्जी थोड़ी ड्रेन हो जाती है, जिसकी वजह से भी शायद इनकी नींद और चैन गायब है, लेकिन खुद को समझाने की कोशिश करते रहते हैं कि इतना तो इन्हें करना ही पड़ेगा। फिर है साइंस, योर पास्ट लव्ड वंस आर नेवर फार फ्रॉम यू, नोटिस द साइंस दे सेंड यू। तो यहाँ पे भी डिवाइन की बात हो रही है, उनके एंसेस्टर कह सकते हैं या फिर किसी के अगर पिताजी नहीं है, उनकी अगर माँ नहीं है या फिर सिबलिंग में कोई रिसेंटली गया हुआ है, तो वो उनके इर्द गिर्द ही है, उनको ब्लेसिंग्स दे रहे हैं और उन्हें प्रोटेक्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, यानी कि डिवाइन की तरफ से भी ये उनको सपोर्ट करने की कोशिश करते रहते हैं, जिसकी वजह से इस पर्सन को अकेलापन महसूस ना हो, ये भी वो समझ पाते हैं। मतलब कई बार शायद ये कुछ सपनों में अपने लव्ड वन को भी देख लेते हैं, जिसकी वजह से भी उनकी रातों की नींद खुल जाती है। फिर है एनिमल्स, एनिमल्स आर इम्पोर्टेंट टू यू, एनिमल्स हील, कम्फर्ट एंड रिलैक्स यू। हो सकता है किसी ने रिसेंटली कोई पेट लिया है तो वो पेट भी इनका ख्याल रख रहा है, और किसी का अगर कोई प्यारा पेट था वो अगर चला गया है, उसके साथ अगर कुछ हो चुका है, तो ये पर्सन में भी उस पेट के जाने की वजह से भी थोड़ा सा दुखी है। कई बार ऐसा घर में होता है कि पेट्स यानी कि छोटी मछली भी अगर होती है तो उसको कुछ हो जाता है तो कहीं पे ध्यान नहीं लगता, मतलब अजीब सी हालत हो जाती है, जैसे अपने फैमिली का ही कोई बहुत गहरा रिश्ता महसूस होता है, वैसा ही अगर इस पर्सन को किसी के साथ रिश्ता महसूस हो रहा था और वो पेट अगर इनसे दूर चला गया है, तो मे बी ये भी एक वजह है कि इनकी नींद और चैन गायब है। फिर है कम्युनिकेट, कम्युनिकेट विद अदर्स मोर फ्रीली, स्पीक अप, यू हैव राइट टू बी हर्ड। बातचीत करना चाहते हैं, अपने प्लान्स बता देना चाहते हैं, लेकिन जैसे कहते हैं ना, कुछ न कुछ शायद सरप्राइज इनके दिलो दिमाग में चल रहा है, जिसकी वजह से ये अपने प्लान्स एक्सपोज नहीं कर रहे हैं और खुद को रोक रहे हैं बात करने से, जिसकी वजह से भी शायद काफी ज्यादा स्ट्रेस बढ़ रहा है इनकी लाइफ में। नेक्स्ट है प्रोटेक्शन, You are not alone. You are being looked after by your spirit guides and angels. तो यहाँ पे भी उन्हें प्रोटेक्शन दिया जा रहा है, यानी कि ये पर्सन जरूर अपनी जिंदगी में ऐसा फेज फेस कर रहे हैं जहाँ पे शायद उन्हें काफी ज्यादा अकेलापन महसूस हो रहा है, और यहाँ पे उन्हें प्रोटेक्शन मिल रहा है, स्पिरिट्स गाइड्स भी उनका साथ दे रहे हैं और एंजल्स भी उनका साथ दे रहे हैं। शायद ये पर्सन ये इस बात को समझते हैं, जिसकी वजह से रात को मे बी ये ज्यादा मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं और मे बी रात के सन्नाटे में ये काफी ज्यादा डिवाइन से बातें करते रहते हैं, अपने फ्यूचर प्लान को लेकर डिस्कस करते रहते हैं। ये भी एक वजह हो सकती है कि इनकी नींद और चैन गायब है, क्योंकि अब उनसे वो इंतजार नहीं हो रहा कि कब आखिर वो प्लान रियलिटी बन जाएगा। फिर है बैलेंस, इट्स टाइम टू फाइंड बैलेंस इन योर लाइफ, व्हाट इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट टू यू। तो यहाँ पे भी बात हो रही थी कि इस पर्सन को जिंदगी में बैलेंस चाहिए,
और काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं। आखिर क्या जरूरी है इनकी जिंदगी में, ये वो खुद को पूछते रहते हैं। और उसके लिए शायद ये काफी ज्यादा मतलब पैसा भी चाहिए, घर भी चाहिए, फैमिली का भी सब कुछ ख्याल रखना है, ऐसी कई सारी मल्टीटास्क के ऊपर ये पर्सन काम कर रहे हैं, जिसकी वजह से भी शायद इनकी हालत ऐसी है। फिर है अफॉर्म, क्रिएट योर अफॉर्मेशंस, थिंक ऑफ वर्ड और फ्रेजेस दैट इंस्पायर यू एंड राइट देम डाउन। तो अफर्मेशंस भी काफी ज्यादा चल रहे हैं, जैसे कि इस कार्ड में भी मैंने कहा था कि मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा कर रहे हैं, खुद को पॉजिटिव रखने के लिए बार बार वही सेंटेंसेस दोहरा रहे हैं। मतलब अगर कोई करियर अपॉर्चुनिटी ये इंतजार कर रहे हैं उस अपॉर्चुनिटी का, तो उनके सामने वो अपॉर्चुनिटी आ गई है। वो घर का अगर इनका कुछ फाइनल पेमेंट वगैरह रुका हुआ था तो वो सब फाइनलाइज हो गया है, इनकी लाइफ की दिक्कतें चली गई है, ऐसी कई सारी बातें ये करते रहते हैं जिसकी वजह से ये खुद को पॉजिटिव रखने की कोशिश कर रहे हैं। फिर है करियर, इट्स टाइम टू ऐड एक्स्ट्रा एनर्जी टू योर करियर एरिया, मे बी ट्राई समथिंग न्यू। तो कुछ लोगों के करियर में चेंजेस आ रहे हैं, ये भी एक वजह है कि अगर आपके साथ एक ब्राइट फ्यूचर उनको चाहिए, जहाँ पे घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, सब पैसा वगैरह भी चाहिए, तो कुछ लोग शायद करियर चेंज करने के बारे में भी सोच चुके हैं या ऑलरेडी उसके लिए उन्होंने कोई एक कदम आगे बढ़ा लिया है और शायद आपको उस इंटरव्यू में सक्सेसफुल होने के बाद बताना चाहते हैं। मतलब फाइनल किसी किसी को जैसे आउट ऑफ इंडिया भी जॉब मिलने के चांसेस है और वहां पे शायद जाके इन्होंने एक नई करियर अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने के बारे में सोचा है और वहां पे एक अच्छा फ्यूचर अगर उन्हें दिखाई दे रहा है, तो ये भी शायद आपके लिए एक सरप्राइज हो सकता है, जिस सरप्राइज का इंतजार इनसे नहीं हो रहा, मे बी इस वजह से भी इनकी ऐसी हालत है। और फाइनल कार्ड है वेट, टेक टाइम टू थिंक ऑन द मैटर एट हैंड, डोंट बी टेम्प्टेड टू रश। तो इंतजार उनसे नहीं हो रहा, काफी ज्यादा उनका मन कर रहा है कि बस अभी हो जाए, अभी बात वो आपसे कह पाए या फिर घर वालों को भी बता पाए, लेकिन उन्हें इंतजार करना पड़ रहा है क्योंकि हाथ में ऐसे कुछ उनके मल्टीटास्क हैं, जैसे इस कार्ड में भी हमने देखा कि काफी ज्यादा हार्ड वर्क कर रहे हैं, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अपनी जिंदगी को बैलेंस लाने के लिए, अपने जो प्रॉब्लम है उनको सॉल्व करने के लिए और कुछ गोल्स है उन्हें अचीव करने के लिए। करियर में भी काफी ज्यादा ये पर्सन ध्यान दे रहे हैं, जिसकी वजह से उनके सामने ये जो बातें हैं उन्हें पहले उन बातों को सॉर्ट आउट करना है और उन्हें पता है कि ये सब वक्त की बात है। मतलब परफेक्ट टाइमिंग के बगैर ये आपको कुछ बताना नहीं चाहते, ऐसा कुछ सरप्राइज शायद इनके दिलो दिमाग में चल रहा है। आपको या घर वालों को सरप्राइज देना है, बस यही सोच के ये एक एक दिन जी रहे हैं। शायद यही वजह है कि इस तरह से इनकी नींद और चैन गायब है। तो ये था आज का रीडिंग, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में। गुड नाइट।